वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आता है। ये चीज के लिए खराब लगता है कि जब कोई आदमी साफ सुथरा सब कुछ डाल रहा है कि अपने परिवार का और अपने समाज का मान सम्मान रख करके अपना जो मर्यादा है उसका ख्याल रखते हुए कोई कुछ कर रहा है, तो उसको जो है सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों का। सपोर्ट उसी चीज को मिलता है जब कोई विवाद हो रहा होता है, जब कोई सिंपैथी लेने का बात आता है। क्या अच्छे कंटेंट पर व्यू नहीं मिलेंगे क्या? अपना सब कुछ ध्यान में रखते हुए, इज्जत और परिवार का ध्यान में रखते हुए वीडियो डालते, क्या उनको चैनल बंद करके यहाँ से चले जाना चाहिए? अगर निगेटिविटी करेंगे तो उनका चैनल चलेगा, और जो एकदम साफ सुथरा चैनल पर बने रहे उनका चैनल डाउन हो गया। चलो बेटा चलो। क्रियान स्कूल से आते ही अब जाएगा पूजा रूम। पूजा रूम जाएगा भागते हुए। देखे अच्छा नहीं देखा ये अभी फिलहाल। कहाँ गया? ये रूम पता नहीं इसका फेवरेट रूम है। इसमें इतना सारा सामान रहता है मेरा कि आते ही सबसे पहले इस रूम में घुसेगा, फिर फैन को ऑन करेगा, अपना बैट बॉल लेगा, फिर निकल जाएगा। ये देखिए जैसा मैंने बोला एकदम। नो क्या? चलो बाहर चलो। बाय क्रियांश, मामा जा रही है घूमी। क्रियांश चप्पल पहन के नहीं जाते बेटा, सैंडल खोलिए। ये पहन के नहीं जाते ना पूजा रूम। गलत बात। इसको खोल के जाते हैं अंदर। पूछी देने से कुछ नहीं होगा। जय करिए जाके। वाव क्रियान, जय ने किया क्रियान। पछाड़ ले लिया बस। दे दो मुझे भी दे दो। क्रियान्स एक दाना किसी को नहीं देगा। दे दो एक मुझे दे दो क्रियान्स। दे दो ना क्रियान्स प्लीज। दे दो खाली कटोरी दिया है हमको खा के। सब खा लिया, खाली कटोरी हमको दे दिया। वाह क्रियांश। 12 seconds later. तो क्रियांश आ गया है नाइन हाई करके। आज क्रियांश जो सुबह लेट उठा था, तो क्रियांश जो है नहा के स्कूल नहीं गया था, तो अभी नाइन हाई करके आया हाँ क्रियांश। और क्रियांश पापा के साथ जब नहाता है ना, तो ये बाथरूम से निकलना ही नहीं चाहता। और मेरे साथ जब नहाएगा तो ये भाग जाएगा तुरंत से। और नहाना इसलिए रो रहा है, और नहाना है। तो वैसे ज्यादातर इसके पापा ही नहाते हैं, हम तो नहीं नहाते क्योंकि इसको पापा के साथ नहाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये पापा ही नहाते। क्या हुआ? हाथ अंदर है। टॉय चाहिए, न्यू टॉय? सबको बोल दो मेरी मम्मा का वीडियो लाइक करे। आप लोग लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, भाग जाते हैं। तो प्लीज आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं तो लाइक किया कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। 3 hours later. अभी बज रहे हैं शाम के 6 और क्रियांश जो आज थोड़ा लेट सो करके उठा है और खेल रहा है अपने पापा के साथ। उठते ही इसको चाहिए भाई टॉय और पापा। सिर्फ टॉय नहीं, टॉय के साथ पापा भी चाहिए। नो क्या? मम्मा झूठ बोल रही है। नो झूठ बोल रही है मम्मा। अपने हेयर हटाइए, हेयर हटाइए, अच्छे से हटाइए। तो क्रियांश हेयर वॉश करके सोया हुआ था, तो जब सो के उठा है तो पूरा इसका हेयर इधर उधर हो गया है। पता है आपको? सुनो, आज मम्मा आपका फेवरेट नाश्ता बना रही है, पता है? जो आप लंच में दूसरे से मांग के खाता है, ये पास्ता मैगी हम लोग इसको देते नहीं है सब चीजें, तो ये दूसरे से मांग के खा रहा है। तो हमने आज आटा का वो पास्ता जो आता है मैक्रोनी, वो लेकर के आई हूँ। सूजी का भी है, आटा का भी है, हम यहाँ से मंगवाए हुए हैं, तो वही जा रही हूँ बनाने के लिए। तो देखते क्रियांश अगर खाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्रियांश के पापा तो है ही खाने के लिए अवेलेबल। क्या क्रियांश के पापा क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, आप कुछ भी अगर किसी को नहीं खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम खा ही लेंगे, कोई उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे सच बोला जाए तो इन्हीं के लिए बन रहा है। लेट है। तो यहाँ पे सभी लोगों ने खा लिया है पास्ता, लेकिन एक बार भी तारीफ किसी ने नहीं किया।
ये आदमी बहुत ज्यादा खरूस है। जब तक तारीफ करने की जरूरत क्या थी, जैसे ही खा रहे थे जिया ने पूछ लिया कैसा बना, तब बढ़िया बना, उसके बाद और क्या तारीफ किया जाए। कितना झूठा आदमी है ये, झूठ ये देखिए इनके शक्ल पे लगता है कि झूठ भी बोलते हैं, कभी नहीं लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं। कभी नहीं इन्होंने बोला कि अच्छा बना है, बस खा लिया आराम से बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, चाय बनाने जा रहे हैं। पीना है? चाय नहीं पीना। ठीक है। The next day. तो अभी बज रहे हैं जी 7:35 और इस समय जो है क्रियांश वहां से हमारा सोया हुआ है, उठाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन ये उठा नहीं। और इधर कब उठेगा, कब खाएगा, कब नहाएगा और कब जाएगा? अभी नहाएगा ही नहीं, मौसम बहुत ठंडा है, मौसम ठंडा है। इतना सुबह सुबह तुरंत सो के उठ के पानी डाल देना, सर्दी लग नहीं, खा के नहा सकता था लेकिन अब इतना लेट उठेगा तो कैसे नहाएगा? सोया भी तो लेट है, कल रात में बिग बॉस देखी थी। वैसे कौन सा आपका बेटा सो जाता है पहले 12 बजे से पहले कौन सा सोता है? क्रियांश सो जाता है, ऐसा नहीं, नहीं सोता है। 11 बजे आपको पता है अगर क्रियांश जब सोए तो वहाँ पे ना इतना सा आवाज नहीं कर सकते हैं, क्रियांश उठ जाता है। और दिन में मॉर्निंग में स्पेशली मॉर्निंग में आप कितना भी शोर शराबा कर लो वो उठेगा नहीं, गुस्सा करेगा इससे करेगा लेकिन हिलेगा नहीं। अभी देख सकते क्रियांश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुस्सा खाली कर रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्रियांश उठ गया है, उठ करके जय कर लिया, जा करके पूजा रूम है और उसके बाद उसके पापा उसके साथ खेल रहे ताकि उसका अच्छे से नींद खुल जाए। तो हम चलते हैं नीचे। Eventually सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और जैसे ही क्रियांश के स्कूल जाने का समय आया और इतनी तेज बारिश होने लग गई कि अब मुझे इसी हाल में गाड़ी में फिर से बैठना पड़ा। और यहाँ पे पतिदेव जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम पे, जब बारिश होती थी ना हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे कि आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। और क्रियांश के साथ तो ये भी नहीं है, क्रियांश को इसमें भी स्कूल जाना पड़ रहा। क्रियांश बोलो, हमारा पूजा पाठ हो गया, बारिश अभी भी पूरा जारी है और अभी चलता है क्रियांश को लेने के लिए। क्या हाल है बारिश का, देख सकते हैं बारिश का कुछ ऐसा हाल है हमारे इधर। बाइक जो आ रहा है, नहा लिया बेचारा बाइक वाला, सब नहा रहा है, जो भी One eternity later. तो फिलहाल जो है क्रियांश सो गया है, हम लोग आ गए हैं बाहर और बाकी आप लोग का कमेंट देखते रहते हैं कि लगातार कमेंट आते रहता है कि आप लोग का वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आता है, तो आप लोग का ये कंसर्न रहता है। तो असल में जी बात क्या होती है, सोचा कि आप लोगों के साथ जो है शेयर कर ही दे, सब कुछ क्लियरली आप लोगों को बताते हैं। बिल्कुल, और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे, पता है सांसद भैया जो बोलते हैं लास्ट में मुझे वो सच बात पता चल ही जाता है। अच्छा हाँ जी, तो बात ये है कि हमेशा जो है ना किसी भी इंसान का जिंदगी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है। तो जैसा कि देखा है कि कभी बर्थडे आता है, कभी एनिवर्सरी आता है या किसी भी तरह का मैरिज फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो है अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है हमारी वीडियो को और व्यू भी अच्छे जाते हैं, अच्छे लाइक मिलते हैं, कमेंट सब भी बहुत प्यारे प्यारे रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन लोगों का रहता है क्या कि अब जो है हमेशा कुछ ना कुछ उस तरह का आए, लेकिन वह संभव नहीं हो पाता है। लेकिन चैनल तो चलाना रहता है क्योंकि अगर आप किसी चीज पर समय दे रहे हैं जी, यह कहने वाली बात होती है कि जी हम बस वीडियो डाल रहे हैं और हमें कोई मतलब नहीं है व्यू और पैसे और ये सब सब कुछ, नहीं जी मतलब रहता है, बिल्कुल रहता है। कुछ लोगों को होता है कि सिर्फ पैसे से ही मतलब रहता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि अपना इज्जत और वो सब कुछ नहीं देखते, बस पैसा ही दिखता है उसके बाद तो। लेकिन नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं है जी, दो पैसे कम ही कमाए लेकिन इज्जत से रहे वो सब। लेकिन हाँ, ये चीज के लिए खराब लगता है कि जब कोई आदमी साफ सुथरा सब कुछ डाल रहा है कि अपने परिवार का और अपने समाज का मान सम्मान रख करके अपना जो मर्यादा है उसका ख्याल रखते हुए कोई कुछ कर रहा है तो उसको जो है सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों का। सपोर्ट उसी चीज़ को मिलता है जब कोई विवाद हो रहा होता है, जब कोई सिंपैथी लेने का बात आता है जी। यही तक बात आ गई है, मैं देख रहा हूँ कि किसी एक के साथ कुछ खराब हुआ, भगवान ने अच्छा नहीं किया उनके साथ, तो उस चीज़ को लोगों के सामने शेयर किया, व्यू मिला, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसी चीज़ का बार बार यूज कर करके व्यूज लाया जाता है। तो ऐसी हालत हो गई है जी, जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं जी, किसी के भी हताशा हो जाती है कि यार हमें तो उसी चीज़ में व्यू मिलता है, अब हम क्यों नहीं करें वो सब चीज़। तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि क्या अच्छे कंटेंट पर व्यू नहीं मिलेंगे क्या? क्या जो भी लोग
अपना सब कुछ ध्यान में रखते हुए, इज्जत और परिवार का ध्यान में रखते हुए वीडियो डालते, क्या उनको चैनल बंद करके यहाँ से चले जाना चाहिए? मुझे तो अब लगता है ऐसा ही, जैसे देखिए हम लोगों की नॉर्मल लाइफ है, जैसे आप लोग जो हमें देख रहे हैं जैसे उनकी लाइफ है ना नॉर्मल, वैसे हम लोगों की भी नॉर्मल लाइफ है, जो होता है वही दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो वही बात जी, तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता है जी। सोचते हैं कि क्या अब दिखा इंटरेस्टिंग, ऐसा तो कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग, तो जो भी होता है डेली ब्लॉग, डेली ब्लॉगर में देख लीजिए आप, किसी भी चैनल को उठा करके देख लीजिए, बस दो तीन चैनल, एक है सौरभ जोशी, एक है एयान मॉम, इस तरह करके बस गिने चुने मुट्ठी भर मिलेंगे, मुश्किल से लगता है कि 5-10 ऐसे चैनल मिलेंगे जो पॉजिटिव वीडियो डाल करके जो है व्यू पा रहे हैं और उनका चैनल ग्रो कर रहा है, लोग उसे प्यार दे रहे हैं। लेकिन बाकी सारे क्रिएटर देख लीजिए जी, अगर निगेटिविटी करेंगे तो उनका चैनल चलेगा, और जो एकदम साफ सुथरा चैनल पर बने रहे उनका चैनल डाउन हो गया है, बिल्कुल डाउन हो गया है जी। और यह जो YouTube पर जो सब कुछ चलता है ना, फेम और ये सब, लगता है बस ये 2 या 3 साल का रहता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा फिर नहीं रहता है, और उससे ज्यादा करने के लिए जो है आपको एक्सट्रीम लेवल पर जाना पड़ जाता है, कभी पत्नी से लड़िए, कभी माँ से लड़िए, कभी भाई से लड़िए, देख रहे हैं जी ये सब चल रहा है सब कुछ, तो नहीं हो पाएगा जी ये सब चीज। बाकी आप जैसा चल रहा है, तो कई बार तो मन करता है कि छोड़ दे, क्या रखा हुआ इन सब चीजों में, ये तो बार बार छोड़ ही देते हैं। मैं ही कोशिश करती हूँ बार बार, मैं ही वीडियो बना के लाती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन उसके बाद फिर वही सोचते हैं कि जी अपना भी चलिए एक मेमोरी है, और इस पर इतना साल समय दे दिया है, लगभग लगता है कि 4 साल तो समय दे ही दिए हैं, तो इस तरह से कैसे छोड़ दिया जाए। चलिए अब पहले जो व्यू आते थे अब उस तरह के व्यू नहीं रहते हैं, कम ही रहते हैं, लेकिन कई लोगों को तो वह भी व्यू पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाता है, देखा है ये स्ट्रगल, कितने सारे यूट्यूबर अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो सोचा कि चलिए कम से कम वो तो है, और अपनी जो यादें हैं अपनी जिंदगी में जो चीज चल रहा है उसको डॉक्यूमेंट करके हम लोग जो है रख लेते हैं, तो बस वही है जी, अपनी यादें साझा करते रहेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो वो दिखाते हैं प्लीज आप लोग उसी में प्यार दीजिए, एक्सट्रीम लेवल हम लोगों से नहीं हो पाएगा, कोशिश करके भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा परिवार, हमारा फैमिली सब कुछ है। सही बात है जी, तो अब ऐसा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।